केन विलियमसन और श्रेयस अय्यर में से आपको किसकी कैप्टेंसी ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज आईपीएल 2022 का एकदम हाई वोल्टेज मैच खेला गया जहां कोलकाता का मुकाबला हैदराबाद से हुआ। हैदराबाद के कैप्टन केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। फैसला एकदम सही साबित हुआ और पावर प्ले में कोलकाता के तीन बड़े विकेट्स भी गिर गए, जहां दूसरे ओवर में एरॉन फिंच 7 रनों पर, पांचवे ओवर में वेंकटेश अय्यर 6 रनों पर, वहीं पांचवे ओवर में कोलकाता का एक और विकेट गिरा जहां सुनील नरेन 6 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए। 6 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर था 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा क्रीज पर मौजूद थे। दोनों प्लेयर्स ने मिडल ओवर्स में संभल कर खेला और 7वें, 8वें और 9वें ओवर से कुल 29 रन जोड़ दिए। 10वां ओवर कराने आए उमरान मलिक और मलिक ने कोलकाता के कैप्टन श्रेयस अय्यर को 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्लीन बोल्ड कर दिया। श्रेयस ने बनाए 28 रन और कोलकाता का स्कोर 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर के बाद। अब नीतीश राणा का साथ देने आए शेल्डन जैक्सन। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद नीतीश राणा ने अटैक करना शुरू किया और 12वें ओवर से 1-6 और 1-4, वहीं उमरान मलिक के 13वें ओवर से 2-6 लगा दिए और दोनों ओवर से कुल 28 रन स्कोर किए। पर 13वें ओवर के आखिरी बॉल पर 9वें आए शेल्डन जैक्सन 7 रनों की निजी स्कोर पर आउट हो गए। अब नीतीश राणा के साथ क्रीज पर मौजूद थे एंड्रे रसल। 16 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर था 122 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच नीतीश राणा ने मात्र 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। पर अर्धशतक बनाने के बाद नीतीश राणा 18वें ओवर में 54 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। पर दूसरी तरफ से एंड्रे रसल ने अटैक जारी रखा और आखिरी 4 ओवर में 4-6 और 4-4 लगा दिए और कोलकाता का स्कोर 175 रन 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद, जहां एंड्रे रसल ने नाबाद 49 रन बनाए मात्र 25 गेंदों में। अब हैदराबाद को जीत के लिए 176 रनों की आवश्यकता थी। 176 रनों का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत भी खराब रही और इन फॉर्म बैट्समैन अभिषेक शर्मा दूसरे ही ओवर में आउट हो गए। अब केन विलियमसन का साथ देने आए राहुल त्रिपाठी। दोनों प्लेयर्स ने पावर प्ले के अगले 3 ओवर में 26 रन स्कोर किए, पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में केन विलियमसन 17 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए। 6 ओवर के बाद एसआरएच का स्कोर 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब राहुल त्रिपाठी का साथ देने आए एडियम मकरम। पावर प्ले के बाद राहुल त्रिपाठी ने अटैक करना शुरू किया और 7वें और 8वें ओवर से 3-6 और 2-4 लगा दिए और दोनों ओवर से कुल 31 रन स्कोर किए। 8 ओवर के बाद एसआरएच का स्कोर 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरी तरफ से मकरम ने भी अटैक करना शुरू किया और वरुण चक्रवर्ती के 10वें ओवर से 1-6 और 1-4 लगा दिया और 10 ओवर के बाद एसआरएच का स्कोर 95 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जहां राहुल त्रिपाठी ने मात्र 21 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। पर अगले 4 ओवर में केकेआर के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की और 4 ओवर में मात्र 32 रन ही दिए। अब आखिरी 6 ओवर में एसआरएच को जीत के लिए 49 रनों की आवश्यकता थी, जहां एडिन मकरम हाफ सेंचुरी के नजदीक पहुंच चुके थे और वहीं राहुल त्रिपाठी 64 रनों पर नाबाद खेल रहे थे।